क्या त्रिपुरा की भाजपा सरकार अपनी ही पार्टी के कुछ आपराधिक गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाने की तैयारी में है? ये सवाल जहन में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि धन उगाही के मामले में भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद ही भाजपा नेत सरकार की ओर से विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। ये एक तरह का संकेत है कि माणिक साह सरकार राज्य में किसी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस विशेष टास्क फोर्स का गठन संगठित अपराधियों, धन उगाही करने वाले गिरोहों और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ किया गया है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और अगरतला नगर निगम के मेयर ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছে, তাছাড়াও কিছু কিছু বারবার আমরা বলেছি যে যারা এই ধরনের কাজে লিপ্ত আছে মানে তাদেরকে আমরা হুঁশিয়ারি দিয়েছি, আমাদের পার্টির থেকেও আমরা হুঁশিয়ারি দিয়েছি, আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে আমরা হুঁশিয়ারি দিয়েছি যাতে এর থেকে যেন নিবৃত্ত থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে অনেক জায়গার মধ্যে সেটা ঠিকভাবে আমরা একটা খামতি দেখা যাচ্ছিল, তাই এই একটা স্পেশাল টাস্ক ফোর্স আমরা করলাম এবং তাদেরকে মানে পুরোপুরি মানে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি যেখানে এই ধরনের ঘটনা দেখবে, তুল্লাবাস থেকে আরম্ভ করে যেখানে যেখানে এক্সট্রাকশন থেকে আরম্ভ করে যে ধরনের ঘটনা ঘটবে তাদেরকে অবশ্যই যেন আইনে রাস্তা দেখিয়ে। বহুত জরুরি হ্যাঁ, আগর কই ইলিগাল একটিভিটিস কিসি নে কর রহে আর পার্টি কি নাম সে কর রহে তো ইসকে উপর জরুরি অ্যাকশন হোনা চাহিয়ে। ইসকে क्योंकि एक तो है क्राइम कम होगा, दूसरा है हमारे पार्टी का भी जो विचारधारा है और पार्टी का भी जो पिक्चर है त्रिपुरा में, ये भी बहुत ही अच्छा जाएगा, मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी पार्टी के नाम से कोई इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ जाए और सीएम के नाम से, मंत्री के नाम से या एमएलए के नाम से वो अपना बिजनेस भी करे। हर एक का अधिकार है और पार्टी हर एक को लिबर्टी भी देती है कि वो अपने अपना राय भी रख सकते और अपना अपना धंधा भी कर सकते, लेकिन विद द मेंटेन ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के कारण हमारे पार्टी का भी बदनाम हो जाए और सरकार का भी बदनाम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा मुख्यमंत्री जी ने किया है तो ये बहुत अच्छा है, इसके कारण हमारे त्रिपुरा में एक अच्छा वातावरण भी फैल जाएगा और त्रिपुरा के लोग भी अच्छा महसूस करेंगे। देखिए, त्रिपुरा में 25 साल कम्युनिस्ट का राज था और एक ट्रेडिशन चल रहा था। त्रिपुरा में जो भी गवर्नमेंट बनती थी तब उस समय आफ्टर इलेक्शन वायलेंस ये हम लोग देखने को मिलता था, लेकिन इस बार हम लोग चाहते थे कि ये ट्रेडिशन ख़त्म हो। इसलिए मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते और हमारा सीएम भी हम लोग मैसेज दिया था कि किसी जगह पर ये पोस्टपोल वायलेंस अगर ना हो और इसके साथ जो भी जुड़ा होगा तो इन लोगों को करी से करी सजा देंगे, ये हम लोग निर्णय लिया था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया कि जो भी हो, मेरा दल का भी हो या किसी अन्य दल का भी हो, जो एक्सटर्शन मानी और ये सब गुंडागर्दी करेगा इसको कभी बख्शा नहीं जाएगा। ये चाहे कोई हो, मेरा साथ मेरा कार्यकर्ता हो या मेरा दूसरे कार्यकर्ता हो, इनके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये तो अच्छा हुआ, हमारा सीएम तो पहले से ही, हमारा दल पार्टी भी है, बीजेपी पार्टी भी है, गवर्नमेंट भी है, करप्शन का एंटी है, जो माफिया इसका बिल के खिलाफ है, तो हमारा गवर्नमेंट चाहता है और हमारा सीएम भी इसी पर इसी रास्ते में आते टास्क फोर्स के मैंने मेरा नज़र से अच्छा हुआ है। और पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया हमने साउथ में, जो भी है करप्शन के लिए पार्टी फेटी नहीं, जो भी है। गृह विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री माणिक साह ने चुनावी नतीजे आने के बाद अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही सभी से अपील की थी कि वे हिंसा से दूर रहे और राज्य में शांति का माहौल बनाए रखें। अब ऐसी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री ने चुनाव बाद हुई हिंसा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं, विशेष टास्क फोर्स को कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी गई है।